आप सबका, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। अच्छा जी, आज सुबह सुबह जो है ना, रात को मैंने बनाए थे चावल चिकन वाले टिक्का बिरयानी, और साथ में फिर हस्बैंड मैंने फरमाइश कर दी ऑफिस ले जाने के लिए, तो चावल भी ज़्यादा बना लिए, और अब ये चिकन कढ़ाई भी सुबह सुबह मैंने बना ली। अभी 9:30 बजे का टाइम है, लाइट मैंने ऑफ की हुई क्योंकि आँखों में बहुत शदीद दर्द होती है। साथ में ये जी मज़ेदार किस्म का सैलड बना लिया। अब जी किचन भी साथ साथ सारा समेट लिया है, बस जी अब जो है ना हस्बैंड को उठाने जा रही हूँ, और फिर बच्चों को उठाऊंगी क्योंकि कारी साहब आजकल ऑनलाइन क्लास, हमने उनको कहा था क्योंकि गर्मी बहुत है, दूर से आते थे, हमने उनको कहा था कि आप ऑनलाइन क्लास ले लिया करें, तो वो 12:30 बजे तक कॉल करते थे, तो उससे पहले बच्चों को नाश्ता करवाना, शावर वगैरह, मतलब बहुत कुछ काम होते हैं, तो फिर 12:30-12 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। तो अब जी चलते हैं अंदर, और हालत इतनी बुरी हो रही है ना, चलो मैं दिखाती हूँ, इतनी ज़्यादा हालत बुरी हो रही है ना, एक सेकंड भी जो है ना किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता, अब दिल घबराने लग गया। चले जी अब फौरन से पहले चलते हैं अंदर और हस्बैंड को उठाते हैं। सुबह का व्लॉग बनाया हुआ है, सुबह हस्बैंड को भेजा है, बच्चों को रेडी शेडी किया है, खाना शाना खिला के मैं तकरीबन 12:30-1 बजे के करीब फ्री हो गई थी, और अभी टाइम हो रहा है 6:15, उसके बाद लेट गई, इतनी तबीयत उसके बाद फिर ख़राब, हालांकि बीपी मेरा नॉर्मल आ रहा था, लेकिन उसके बाद इतनी तबीयत अचानक ख़राब हुई, चक्कर आ रहे हैं, और आज फिर बीपी, अभी पहले से तो कम है लेकिन थोड़ा सा अब ज़्यादा है, तो अब मुझे फिर चक्कर आ रहे थे। अब ये भाई साहब से मैंने 150 और 103, तो डॉक्टर पे जाए, दवाई खाई है, वो बाबा ने टाइम लिया, वह जाएंगे अब दोबारा, उस दिन भी होके आए थे, इतने उस दिन खवारी हुई, इस दिन खवारी हुई, माथा मेरा ठंडा, खवारी देश के आदमी, हॉस्पिटल तो हम चले गए, उफ अल्लाह, गर्मी में बच्चों की हालत बुरी, मेरी बुरी, हस्बैंड की बुरी, इतने बड़े हॉस्पिटल हैं, और चल 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 के बुरी हालत, क्योंकि वो हॉस्पिटल बन रहा है, कोई डॉक्टर कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा, मोहम्मद मुस्तफ़ा गंद मचा रहे हो, क्या कर रहे हो यार, आपको बाबा ने मना किया, बता दो भाई, जिना हॉस्पिटल गए थे, जिना हॉस्पिटल नहीं, वो जिना मेडिकल, उसमें गए थे ना, अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में गए थे, उसके पीछे से जिना हॉस्पिटल में गए। हाँ जी, तो हालांकि प्रोटोकॉल के साथ गए, लेकिन प्रोटोकॉल से के साथ, बताओ किसी वजह से जाके, बताओ, हम उधर से जो अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के थे ना प्रिंसिपल, उनसे बस खुश हो गए। अब लाइट मैंने थोड़ी ऑफ की भी, अभी मैं जलाती हूँ, अभी टाइम होता तो ये पीछे जी, ये मोहम्मद अहमद का बिस्तर है, रात को ये बिछता है, और रोज़ बाहर निकालना, रोज़ अंदर रखना मेरे से नहीं किया जाता, इसलिए मैंने एक साइड पे खड़ा कर दिया है। मम्मा जी तो अब जी बस ये मेडिसिन खाने लगी हूँ मैं, और ये सब्ज़ी मंगवाई है, अभी एक ऑर्डर और किया, ये चाय पी है मैंने आज, 3 दिनों से मैं चाय भी नहीं पी रही थी, सिर्फ इसीलिए कि दिल घबरा रहा था बहुत ज़्यादा, तबीयत बहुत ख़राब थी, और अपनी ज़ात के लिए मेरा उठ के काम करने को दिल नहीं करता, हालांकि मेरा किचन में ही टाइम ज़्यादा निकलता है। अब जी हस्बैंड की फिर कॉल आ गई कि जी सुबह मैंने हलीम लेके जानी है, बेटा ऊपर मैंने रखी है, ऊपर रखी है जाली पे ब्लू बॉटल पानी की, हाँ दवाई को लगाया था, क्योंकि आप तो लगा ली नहीं, नहीं मैंने परसों मेरे ख्याल से लगाया था, नहीं ईद वाला नहीं, जब हम हॉस्पिटल गए थे आपने व्लॉग, नहीं वहाँ पे व्लॉग बनाया ही नहीं था मैंने, हालत ही इतनी बुरी हो गई थी हॉस्पिटल में, मैं मेरा पता है जो मैंने आपको क्या कहा था, क्या कहा था, पानी की बोतल निकाली नहीं, क्या करके आए हो, पानी तो पानी की बोतल, मैंने दवाई नहीं खानी, तो उसके बाद ही बस मोहम्मद मुस्तफ़ा इस्ता खोला करो बेटा, फ्रिज जब भी इतने पैसे लगे हैं इस पे यार, हाँ नहीं मैं खुद लूंगी, पापा डांटते हैं, मैं खुद लूंगी, मत निकालना, मैं निकाल रहा हूँ, मैं पता नहीं क्या बात कर रही थी यार, आप लोग मुझे बात, हाँ आप जी हॉस्पिटल, नहीं मैं बता रही थी हस्बैंड की कॉल आई है जी, उन्होंने हलीम बनवानी है, वो भी ज़्यादा सारी 2 डब्बों की बनवानी है, तो अब मैंने ऑर्डर किया हुआ, देखिए वो कब आती है, हाँ बहुत मुबारक हो, चले जी लेकिन अब मैं दवाई खाती हूँ, ठीक है अभी देखते हैं, चले जी मैं ये दवाई खाऊँ फिर हलीम स्टार्ट करती हूँ, था कि आ जाएगा लेकिन घंटा हो गया, वो भाई साहब ने मैसेज ही रिसीव नहीं किया हुआ, अब मैं खुद जाके जो है ना ये चिकन और ये सारा कुछ लेके आई हूँ, और टाइम जो है ना 7:30 हो गया है, हालत अजीब सी हो रही है, नहीं करो मोहम्मद अहमद, नहीं करो बेटा, नेक्स्ट कोला, अब ये बोतलें जो है ना फ्रिज में रखो, नेक्स्ट कोला की पार्टी हो रही है, चले अंदर चलते हैं जी, हलीम यहाँ तक पहुँच गई है, अब इसमें ना मैं ये चिकन डालने लगी हूँ, ये सारा हाथों से किया है मैंने मोटा मोटा, अब इसमें ना एक कमी हो जानी है मेरे साथ,
वो ये कि अगर मुझे घोटना मिल जाता ना तो ये चिकन और पतला हो जाता और बिल्कुल हलीम की जैसे वो तार बनती है ना वो बन जाती थी। और ये चेक करें जरा बच्चा, मैंने उसमें डालना था साफ करके और आप उसको खाने पे लगे हुए हो। जी घोटना क्या होता है बेटा? वो लकड़ी का होता है, उसको ऐसे घोटते हैं तो वो बनता है। ऐसे वो तो है नहीं, वो नहीं है, मेरे पास घोटना नहीं है। कितना, इतनी लाइटें चल रही है फिर भी अंधेरा अंधेरा लग रहा है। चले जी आप इसको तड़का लगाते हुए, आपको ये बिल्कुल परफेक्ट हलीम रेडी हो गई है। मैं इसका आपका वो दिखाती हूँ जिसका हलीम वालों के वो एक वो होता है तड़का है बेटा, ये देखिए ऐसे ही होता है ऐसे बिल्कुल। और यहाँ पे ये जो है, ओहो इस बच्चे को मैंने इतनी दफ़ा मना किया कि ऑयल वाला काम हो रहा हो, एकदम ज़ोर से आएंगे और खुदा ना खास्ता ऊपर गिर जाए। ओह अल्लाह, मुझे तो सोच के भी खौफ आता है, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आती, बंदा ना गुस्से में आ जाता है। ये जी मैं तड़का बना रही हूँ और देसी घी मैंने डाला है। मैंने कहा चलें देसी घी का तड़का लगाते हैं। अब ये तड़का लगता है तो दिखाती हूँ। यहाँ पर भी चेक करें, ये हो गया तड़का रेडी बिल्कुल, प्याज गोल्डन ब्राउन बड़े खूबसूरत से हो गए हैं। अब इसमें से मैं डालती हूँ तड़का, जिसमें थोड़े से प्याज मुझे बचाने हैं। ये थोड़े से प्याज में रखूँगी, चूल्हा बंद है ना बेटा? इसका नहीं, इसका तो नहीं है। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है जी बेटा, आपके टीचर को भी देनी है, बाबा को भी, आपके लिए भी निकालनी है। इसलिए नहीं जी, रेडी हो गई है हमारी हलीम, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ये चक्कर है, ये प्याज अब ऊपर डालूंगी और हरी मिर्च है प्याज बस, और कुछ भी नहीं। अब मेरे में हिम्मत नहीं है, अब जो करना होगा खुद करेंगे। अभी मुझे बाहर इतने काम है, मुझे ये किचन साफ करना है, नीचे से फर्श वगैरह वहाँ पे कपड़े डालने हैं। मैं सुबह से मशीन में कपड़े डाल के भूली हुई थी और एकदम याद आया अचानक कि मशीन में कपड़े पड़े हुए हैं। चले जी ले जी, ये देखें हलीम हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है, लगता है ये बस ये ओवन साफ करने वाला रह गया और ये ठंडी करने के लिए रखी थी। मैंने कहा ठंडी करूँगी ना तो फिर निकालूंगी। और तकरीबन 9 बजे मैं फ्री हुई हूँ, उसके बाद शावर लेने गई हूँ और अब ये ठंडी हुई है। हस्बैंड आए हैं घर, खाना गर्म करवाया, खाना भी नहीं खाया, चले गए हैं फ्रेंड्स के साथ। और अब फ़ोन किया कि भाई मुझे भूख लग रही है आ जाए, नहीं जी मैंने तो खाना खा लिया। अब मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा है कि इतनी मेहनत की है, क्योंकि आप हिला रहे हो नीचे से, ये उसको टक्कर मार रहे हो आप, ओवन को पीछे जाओ। चले जी अब ये रेडी हो गई है। क्या क्या डाले? हरी मिर्च, अदरक, ब्राउन प्याज, धनिया और मसाला होगा। चले जी ये था जी आज का व्लॉग, सारा दिन ऐसे ही। और बीच में तो ये तो मैंने मेन शूट किया और उसके अलावा जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको बता नहीं सकती। ये सारे मैंने पैक करके फ्रिज में रखने के लिए रखे हैं, ये टमाटर वगैरह अंदर रखने हैं और एक ये इनकी टीचर के लिए बनाया है। और बस इसी तरह आज कल दिन गुजर रहे हैं। चले जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये मैंने डिप करने के लिए रखा था क्योंकि हलीम में जितना मर्जी आप चम्मच मारो लेकिन ना नीचे से हल्की हल्की हो जाती है। चलो जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मैं इसको समेटूँ। और अभी मैंने खाना भी नहीं खाया हुआ, अब बुरी हालत हो रही है गर्मी से, पानी पी पी के खाना खाने को भी दिल नहीं करता। अपना रखिएगा ख्याल, दवाओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट करके प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।